एनआईए रेड के दौरान केरल से गिरफ्तार पीएफआई के एक सदस्य ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, ईडी की पूछताछ में पीएफआई सदस्य ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 जुलाई का पटना दौरा पीएफआई के निशाने पर था, टारगेट पर था। रैली के दौरान माहौल बिगाड़ना चाहते थे पीएफआई के लीडर और विरोध को लेकर तैयारी की गई, बैनर पोस्टर भी तैयार किए गए थे, बनाए गए थे। अब इसके लिए पीएफआई ने कुछ लोगों को रैली के दौरान माहौल कैसे बिगाड़ा जाए इस बात की ट्रेनिंग दी थी। जांच से पता चला है कि एक साल में करीब 120 करोड़ रुपए पीएफआई के अकाउंट में आया और साथ ही इसका दोगुना कैश के रूप में इकट्ठा भी किया गया। अब ये करोड़ों की रकम न केवल हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से बल्कि विदेशों से भी इकट्ठा की गई। अब इस पैसे का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के सबूत भी यानी साक्ष्य मिले हैं। तो पीएफआई के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था बिहार का, अब देखिए ये एक्सक्लूसिव तौर पर आपको हम ये दिखा रहे हैं। अब इसमें सब कुछ मेंशन है, सब कुछ लिखा हुआ है, साफ साफ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री दौरे के दौरान किस तरह से साजिश और माहौल बिगाड़ने की ये पूरी कोशिश। इसके लिए कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई। अब खातों में जमा किए गए 120 करोड़ रुपए संदिग्ध और अज्ञात लोगों ने जमा कराए थे पैसे, ना सिर्फ भारत से, हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से भी। कई देश उनका नाम सामने आया था, बीच में भी आपको याद होगा ओमान से लेकर गल्फ कंट्रीज की बात कर लें। अब एक साल में पीएफआई खाते में 120 करोड़ रुपए ट्रांसफर, अब इन पैसों का कहां कहां इस्तेमाल हुआ यह भी सब कुछ जांच इस पर जारी है। अब जुलाई में आपको याद होगा 12 जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का दौरा किया था। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं रोहित सिंह। रोहित, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है इससे जुड़ी हुई? जी देखिए, जो ये पीएफआई का संदिग्ध है जिसे केरला से गिरफ्तार किया गया था, इसने जिस तरीके के खुलासे किए हैं, इसी तरीके के खुलासे पटना में जो पीएफआई मॉड्यूल का खुलासा हुआ था उस दौरान भी सामने आया था। जब 14 जुलाई को पटना टेरर मॉड्यूल या कह सकते हैं पीएफआई मॉड्यूल का जो एक खुलासा हुआ था, और उस दौरान फुलवारी शरीफ से जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अथर परवेज नाम के व्यक्ति की, वो बकायदा एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, और उस दौरान भी जब पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तो उसने इस बात का खुलासा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 12 जुलाई का दौरा था पटना में, वो उनके निशाने पर था, उस पर वो टारगेट करना चाह रहे थे, गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके के खुलासे हुए हैं और ये एक बार फिर से इस बात की पुष्टि करता है कि जो केरला से जो गिरफ्तारी हुई है, कि प्रधानमंत्री का दौरा जो था वो कहीं ना कहीं पटना में वो निशाने पर था, और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छी बात यह रही कि समय रहते ही इस पूरे मॉड्यूल का जो है वो भंडाफोड़ हो गया। लेकिन जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं वो बेहद बेहद चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं। रोहित, आपको याद होगा 14 जुलाई को भी हमने चैट किया था और ये जब छापेमारी हुई थी बहुत सारे लोग गिरफ्त में आए थे, फुलवारी शरीफ पे भी रेड हुआ था, बिहार में पटना में भी कई जगह पर ये छापेमारी हुई थी। अब जो ये खुलासे हुए हैं ये और उस वक्त आपस में कनेक्टेड है छापेमारी? ये देखिए, बिल्कुल इसे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पटना में पीएफआई मॉड्यूल का खुलासा हुआ था उसके बाद लगातार देश भर में हम देख रहे थे ताबड़तोड़ रहकर एनआईए की छापेमारी भी जो है वो चल रही थी। दो दिन पहले जिस तरीके से देश भर में एनआईए ने छापेमारी की, पीएफआई को के नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो इसी को लेकर माना जा रहा है कि फुलवारी शरीफ जो एक मॉड्यूल था उससे एक पुलिस को जो है और जांच एजेंसी को एक बड़ी लीड मिली थी, और इसी को लेकर देश भर में हम देख रहे हैं लगातार पीएफआई पर जो है वो शिकंजा कसने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर केरला से जो ये संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है इसने जो खुलासे किए हैं ये ठीक वैसे ही खुलासे हैं जो पटना फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था अथर परवेज और उसके जो 2-3 साथी थे दोनों मेल खाते हैं। ठीक है जी, चलिए आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो हर बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है।